नथ सीरियल की टीआरपी बहुत अच्छी, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, नया कॉन्सेप्ट है। आप अपने किरदार और इस सीरियल के बारे में कुछ बताइए, और आज जो सीक्वेंस हो रहा है हल्दी का, इसमें क्या होने वाला है? देखिए, तो जब शुरू हुआ था तब भी हमारी बातचीत हुई थी, और तब मैंने कहा था कि मेरा दावा है कि ये शो हिट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही अपने में इतना खूबसूरत है और इस सब्जेक्ट पे अब तक कोई सीरियल नहीं आया है, तो हिट होना है ये मैं पूरी तरह शुरू से श्योर थी। और मेरा किरदार तो इसमें दादी का है, और दबंग दादी, और अपने परिवार के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और कुछ प्रथाएं हैं जो पुरानी शुरू से चली आ रही हैं, जिनके प्रति वो कहते हैं ना कि एक तरह से अंधविश्वास की तरह उन्हें बिलीव करते रहना, अगर आज के समय में सोचें तो ये प्रथाएं कोई मान्यता नहीं रखती हैं, लेकिन पर जहां भी हैं ये लोग उनको अपना कल्चर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए मानते चले आ रहे हैं, या ये कह लीजिए कि उनमें हिम्मत नहीं है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की, और यही चीज़ जो है हमारे शो में दिखाई गई है कि ये जो नत उतराई की प्रथा है ये कब से चली आ रही है, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि जो सरमाएदार हैं जो इस प्रथा को लेकर चल रहे हैं उनके सामने बोलने की, क्योंकि बेचारे गरीब लोग इस पे रिएक्ट नहीं कर पाते। और इस हम अपनी कहानी में यही दिखा रहे हैं कि एक आज की लड़की कैसे उस चीज़ को लेकर कदम उठाती है, और आप शो में देखेंगे कि उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ चीज़ें तो हम भी नहीं जानते कि शो में क्या होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे सीन आ रहे हैं, जैसे जैसे हम कहानी में मतलब काम कर रहे हैं, तो लिटरली बताएं कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि हम भी अपने में बहुत ही भावुक हो जाते हैं, और कई बार ये बहुत बुरा भी लगता है कि सोच कर कि ये जहाँ प्रथा जहाँ से ये प्रथा चली आ रही है उन लोगों पर क्या बीतती होगी। पर ये मेरा तो किरदार है, मुझे अपना किरदार निभाना है, और इसमें ये है कि ये करेक्टर ऐसा है कि अपने परिवार के प्रति भी सब चीज़ों के लिए बहुत जोड़ के रखने वाली दादी है, और उसूलों के वो मानने वाली दादी है, लेकिन वही वाली बात है कि जो परंपरा चली आ रही है उसके प्रति ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ होती है तो एकदम बंदूक उठा लेती है और उसका विरोध करती है। अब देखते हैं कि महुआ के साथ जब मुठभेड़ शुरू होगी दादी की, तो ये मुठभेड़ क्या रंग लेकर आती है। और आज हमारी हल्दी रसम है सेट पे, इसमें जो महुआ की छोटी बहन है क्या कहते हैं बूंदी, उसके साथ मेरे पोते की मतलब हल्दी हो रही है। अब उसमें यह है कि महुआ को वो इतना पसंद नहीं करती, बिकॉज़ इसलिए कि वो आज के समय की एक पढ़ी लिखी पढ़ने वाली बच्ची है जो इसके ऊपर स्टेप ले रही है, तो दादी को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बूंदी को वो इसलिए मानती है कि वो एक ऐसी लड़की है जो सर झुका के चल सकती है, जिसमें संस्कार की अपने परिवार की परंपराएं हैं, तो वो कहीं इसलिए भी बैक ऑफ द माइंड दादी के है कि इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन में इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा, तो वो उस फ़ायदे को, उसका बेटा भी कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, कहती कि समझा कर इलेक्शन आने वाले हैं, गरीबों से गरीबों को ऊपर उठाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, गरीबों को साथ मिलकर चलना, उनसे हाथ मिलाना भी, तुझे पता है ना इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमें भी स्टोरी का इतना तो नहीं पता है, एक चीज़ जब आती है तो साथ साथ हमें पता चलता है, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं इस शो को, और रोज़ एक अच्छा सीन जीने का मौका मिलता है, और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस शो के साथ जुड़ी। दादी का कैसा नेचर दिखा है इसमें, स्वभाव की अगर बात करें? दादी का पब्लिक को लगेगा कि बहुत कड़क है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति भी उसका प्यार है, अपने पोते के प्रति भी है, और प्यार जो है वो कई कैरेक्टर्स होते हैं ना कि गले लगाना चूमना इसको ही प्यार नहीं कहते, लेकिन उनके बातचीत में उनके कई जेस्चर्स में वो प्यार नज़र आपको दिखाई देगा। जो पूरे सेट के ऊपर देखें, वेशभूषा भी अलग है, काफ़ी रिच फैमिली दिखाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रिच फैमिली दिखाई है, फैमिली जैसा बड़ी बड़ी मूछें हैं, ताव लगा के घूम रहे हैं सब।
क्योंकि रिच फैमिली है और एक बैकग्राउंड वो लोग दिखाते हैं, तो एक बड़प्पन दिखाने के लिए, और इसलिए ये सारी वेशभूषा है क्योंकि वो उस गांव के जो कहते हैं ना कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, और इसलिए ये लुक सबको मिला हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। आपके लुक की बात पे, हाथ पे गहना वहना काफ़ी सारा, क्या कहना है लुक को, कितना मुश्किल है पहनना? मुश्किल तो मैं कई बार जब ऐसे तैयार होती हूँ और बात, क्योंकि मैं आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ, मतलब लिटरली बताऊँ तो एक पिन भी नहीं सर पे लगाती हूँ, तो बस ये जब एक बारी बन जाता है तो हमारी इतनी बुरी हालत होती है। और मेरा हमेशा एक डायलॉग कहने का होता है कि लोग समझते हैं कि अरे एक्टर की क्या जिंदगी है, तो मैं मोस्टली ये बोलती हूँ कि एक बार कोई जी के देखे हमारी ज़िंदगी, कि ये सब लाद के सब पहन के ये ख़राब ना हो जाए। अभी नेक्स्ट शॉट है ना, हम लेट पाते हैं ना, उठ पाते हैं, कई बार कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाते हैं, बड़ा मन करता है कई बार एक सीन का गैप है तो लेट जाएं, फिर वही होता है कि ये सब उतारेंगे, फिर अगर कॉल आ गई तो क्या, तो ना इस करवट लेटा जाता है ना इस करवट लेटा जाता है ना सीधे लेटा जाता है, तो हम इतनी परेशानी में होते हैं। पर फिर भी एक्टर हैं और हमने खुद ये लाइन चुनी है तो इसका सामना तो करना ही है। कलर में जो बिंदी लगाई है उस पे त्रिशूल का निशान है, उसका खास महत्व कुछ जी? उसमें ये है कि शिव भक्त हैं और शिव जी को मानते हैं, तो एक सिंबल है शिव जी का। और क्या कहना है दर्शकों को भी? बस मैं दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप हमारा शो ज़रूर देखें, इससे हमें हौसला मिलेगा, क्योंकि इतने कम समय में आपने हमको इसका रिज़ल्ट दिया है, हमारी TRP अच्छी आई है। अगर आप और दिल से इसको देखेंगे तो हमारी सक्सेस तो आप लोगों के शो देखने पर ही है, तो बस मेरी सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा शो नथ ज़रूर देखें आप। गणपति आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे, पहले शुभकामनाएं देंगे अपने नाम के साथ? देखिए गणपति आ रहे हैं तो इस बारी तो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले साल तो बप्पा को उतनी अच्छी तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं, इस साल लोगों में बहुत उत्साह है, सब कर रहे हैं। बस मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ माना बप्पा की खुशी है, पर फिर भी कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और एक दूरी बनाए रखें, और बाकी तो बप्पा का आशीर्वाद साथ है, और हमारी खासकर हमारे मुंबई पर तो सब अच्छा होगा, और बड़े मस्ती से मनाइए, बप्पा को लाइए घर पर इन चीज़ों का ख्याल रखिए, और मेरी तरफ से सबको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।